अयांश की माँ पहली बार बोलती नजर आ रही हैं कि उन्हें भोजपुरी समाज की तरफ से, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिली। अयांश की माँ का ये कहना है कि अगर राकेश मिश्रा नहीं होते तो इस मुहिम को उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी कि मिल रही है। अयांश की माँ, आप सभी जानते हैं कि अयांश किस दुर्लभ बीमारी की वजह से परेशान है, और तो और ये भी आप सभी जानते हैं कि अयांश को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है, और उस 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के लिए अभी सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं, जिसकी जानकारी उनकी मां ने आज एक इंटरव्यू में दी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए ही अभी जमा हो पाया है। और उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार की कई तरह से धज्जियां उड़ाई। जी हाँ, नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा अयांश की माँ को, अयांश की माँ ने वैसे ही इंटरव्यू में बताया कि नीतीश कुमार ने सीधे सीधे उन्हें कहा कि ऐसी बीमारियां उनके फंडिंग के तहत नहीं आती। अयांश के माता पिता उनसे मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार उनसे मिले नहीं। साथ ही साथ ना ही नीतीश कुमार ने ये आश्वासन दिया कि अगर वो अयांश की मदद नहीं कर सकते तो अपनी मंत्रियों द्वारा ही कुछ हेल्प करवा दें। ये सब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किसी तरह का आश्वासन अयांश के पेरेंट्स को नहीं दिया। उल्टा यहाँ अयांश के पेरेंट्स ये कहते नज़र आए कि राकेश मिश्रा ने उन्हें बहुत हेल्प की, साथ ही पवन सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि वो लोगों को कहेंगे कि अयांश की मदद करें। खेसारी लाल यादव ने भी ये कहा है कि जैसे ही वो साउथ की फिल्म से फ्री होते हैं तुरंत अयांश के पास बिहार में मिलने ज़रूर आएंगे। साथ ही साथ पवन सिंह ने भी आश्वासन दिया है मदद का, लेकिन बिहार सरकार ने अयांश की मदद के लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया और ना ही अयांश के पेरेंट्स से मिलने की ज़रूरत। क्या कहेंगे आप इन सब के लिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना